मेरे पति से छोटी मोटी कहां सुनी होने के बाद वो मुझे मायके से लेने मेरे घर आए थे, लेकिन कुछ झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों की वजह से मैं उनके साथ जाने से इनकार कर दी। उल्टा मैंने उनको दहेज के केस में भी फंसा दिया। तब मुझे बड़ा मजा आया, मुझे लगा कि वो अब कोर्ट के चक्कर खाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा ही हो गया। केस झूठी थी, मेरे पति की बड़ी हो गई, उनकी दूसरी शादी भी हो गई और वो अपनी दुनिया में बहुत आगे निकल गए। आज 6 साल हो गया है मैं यहीं बैठी हूँ अकेले अपने मायके में। 3-4 लड़कों के पसंद करने की वजह से मैं भी इतराती थी, लेकिन वो भी मुझे टाइम पास करके छोड़कर चले गए। आज मैं सोचती हूँ मेरे पति मुझे लेने आते, मैं उनके साथ बाकी सहेलियों की तरह अपने बच्चों, अपने पति, अपने परिवार के साथ खुश रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं यहीं बैठी हूँ। मेरे पति मुझे लेने तो आएंगे ही नहीं, और ये सोचकर कोई फायदा भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि छोटी मोटी कहां सुनी तो हर घरों में होती है। उसके लिए रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। सलाह सब देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता है। किसी की बहकाओं में आकर गलत निर्णय ना ले, और रिश्तों को खत्म करने का मत सोचे। 2-4 दिन बातें ना करें, रूठ जाए, गुस्सा रहे, लेकिन कभी रिश्ते खत्म ना करें। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। और मैं इसमें 2 बातें बोली हूँ जिसको आप लोग फॉलो कीजिए। हर किसी की जिंदगी खुशी खुशी जाएगी, कभी भी रिश्तों को खत्म करने के ना सोचे। छोटी मोटी कहां सुनी हर घरों में होती है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां कहां सुनी ना हो। उसके लिए रिश्ते कभी खत्म नहीं करना चाहिए, और किसी की बहकाओं में आकर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिंदगी यही रह जाती है अकेले। तो प्लीज मेरी 2 बातों को आप लोग फॉलो कीजिए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए। तो थैंक यू सो मच।